अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन फ्राई की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप बनाते हैं और कोटिंग उतर जाती है तो इस तरीके से बनाएंगे तो कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरेगी। मेहमानों को आप खिला सकते हैं स्टार्टर के तौर पर। बहुत ही टेस्टी और जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिए 1 kg चिकन। इसे मैंने पहले अच्छी तरीके से धो लिया, फिर विनेगर और पानी में डिप करके इसे आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। बिल्कुल क्लीन हो गया है ये। उसके बाद स्ट्रेनर में रख दिया, इसका पानी निकल जाए। इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब इसके अंदर दोबारा मैं डाल रही हूँ विनेगर। 2 teaspoon मैं विनेगर डालूँगी। विनेगर डालने से इस जो चिकन के अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और ब्लड वगैरह जो कहीं जमा होता है बिल्कुल निकल आता है और चिकन अच्छी तरीके से टेंडर होता है। विनेगर डालने के बाद 1 lemon जूस पूरा मैंने इसके अंदर निचोड़ के डाल दिया और 2 tablespoon अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, उसे इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया है बिना पानी के। अब इसमें हम डाल देंगे, इससे थोड़ा चटपटा हो जाएगा हमारा चिकन। उसके बाद कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। ये देखिए ये 1/2 teaspoon है लाल मिर्च पाउडर और ये 1/2 teaspoon मैंने अजवाइन ली है, ये हाजिम होता है, इसे ज़रूर डालिए। 1/2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद ये चाट मसाला है 1 teaspoon, 1 teaspoon गरम मसाला। इन चारों चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन में हम मिलाएंगे नमक। नमक 1 teaspoon मैंने ले लिया। इसमें चाट मसाला भी मैंने डाला है जिसके अंदर नमक होता है, तो आप देख लीजिए बराबर से। और फिर उसके बाद मैंने मिक्स कर दिया। इसे आधे घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे और इसके लिए हम एक और कोटिंग तैयार करेंगे। यहाँ देखिए मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं बेसन। चम्मच मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये वाले चम्मच से मैंने 3 चम्मच बेसन लिए हैं और 2 चम्मच ये मैं डाल रही हूँ अरारोट। अगर अरारोट आपके पास ना हो तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर भी ना हो तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं। और देखिए इस चम्मच के हिसाब से मैंने 2 चम्मच इसमें डाली है सूजी। इससे हमारा चिकन काफ़ी क्रिस्पी और इसकी कोटिंग बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें मैं डालूंगी 3 tablespoon है ये दही। दही डालने के बाद मैंने ले लिया है 1 tablespoon भर के ज़ीरा। इसे तवे पर गरम कर लिया मैंने, हल्का सा कूट लिया। इसे डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालें, लेकिन इसके डालने से ये थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे और इसे बिल्कुल पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा सा एक घोल बनाएंगे इस तरीके से। और इसे हम डालेंगे उस चिकन के अंदर। ये देखिए 1/2 घंटा हो गया है चिकन को मैरिनेट हुए। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है इस चिकन ने, तो इस पानी को हमें बर्तन को थोड़ा सा इस तरीके से आप करेंगे तो ये पानी निकल आएगा। इस पानी को हमें हल्के से निकाल लेना है और उसके बाद जो हमने घोल तैयार किया है उस घोल को डाल देंगे। अब आप कहेंगे कि इस घोल को हम साथ में भी डाल सकते थे, तो इस तरीके से करने से मसाले अच्छी तरीके से चिकन में अच्छी तरीके से लग जाते हैं। उसके बाद इस घोल को हम डालेंगे तो हमारी कोटिंग अच्छी तैयार होती है। चिकन में हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। कम से कम 2 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि चिकन जितनी ज़्यादा मैरिनेशन इसकी लगेगी उतना अच्छा टेंडर बनेगा और जूसी बनेगा। ये कम से कम 2 घंटे के लिए इसे मसाले लगा के रखे चिकन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे रात भर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। जितनी देर ये चिकन मसालों में लगा रहेगा उतना अच्छा बनेगा ये चिकन। अब 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्लेम को हमने फुल पे किया हुआ है, अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन डालने के बाद फ़ौरन ही हमें इसमें कबगी नहीं डालनी है। ये देखिए अब जब इस पर कलर आ गया है तब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। ये देखिए साइड को मैंने चेंज कर दिया। अब फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि चिकन हमारा कच्चा ना रह जाए और अंदर तक ही अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए अभी ये कच्चे हैं, इसे स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। ये देखिए चिकन बिल्कुल फ्राई हो गया है। 10 से 12 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर बनाइए और संडे के लंच में तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितने टेस्टी और ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। इसे हरी चटनी और प्याज के साथ सर्व करें, बच्चों का भी ये फेवरेट होता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो 1 time सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सारी नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।